मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि गत 8 एवं 9 जुलाई को हुई भारी बारिश के कारण प्रदेश में अत्यधिक नुकसान हुआ है, जिसमें लोगों के जान माल की क्षति हुई। इस प्राकृतिक आपदा के कारण सड़कों, पुलों और लोगों की निजी संपत्ति को 4,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। खराब हुए हैं हजारों की संख्या में। इन सभी चीजों को बनाने के लिए बहुत बड़े पैसे की बजट की जरूरत होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस घड़ी में हमें भारत सरकार से पूरा सहयोग मिलेगा। जैसे आप और हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं देश के, वो कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हिमाचल मेरा दूसरे घर के तरह है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस आफत में जब प्रदेश के लोग और पूरी सरकार इस आपदा की घड़ी में, निश्चित तौर पे हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद है कि आज वो दिल खोल के जो है हिमाचल प्रदेश की मदद करेंगे। जो हिमाचल प्रदेश द्वारा विकास की दृष्टि से उखड़ गया, बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की आवश्यकता है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि उनका पूरा सहयोग मिलेगा। और इसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बात कही है कि जहाँ पर भी ट्रैफिक रुका हुआ है, जिस भी हाईवे पे या जिस भी रोड पे, उसमें सभी जिला अध्यक्षों को और एसपीज को उन्होंने आदेश किए हैं, स्टेशन को, कि सबसे पहले ये इंश्योर किया जाए कि जो एसेंशियल कमोडिटीज लेके जो गाड़ियां जा रही हैं, जो ट्रक्स हैं, जैसे आप कहें कि गैस की सप्लाई है, उसके अलावा दूध है, ब्रेड है, या डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं, या सब्जी की है, इनको जो है प्राथमिकता के आधार पे पहले इनको जो है पास किया जाए, आगे जाने दिया जाए, जिससे ऐसी चीज़ों की कमी ना हो। और ये मुख्यमंत्री जी ने खास तौर पे ये आदेश किए हैं। आज मुख्यमंत्री जी, उम्मीद है कि अपना अगर मौसम सही रहा तो वहाँ थुनाग और किन्नौर के बाद शिमला आज वापसी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी ये जो अभी लॉसेस हैं, जो पूरी जानकारी है, इसमें समय लगेगा। इसके लिए जो टीम बनाई है वो हर जगह से पूरा अपना ब्यौरा इकट्ठा करेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे, उसके बाद एक सही आंकड़ा निकल पाएगा कि कितने हजार करोड़ रुपए का ये जो है नुकसान पूरी तरह से प्रदेश को हुआ है। सर, केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक क्या मदद मिल पाई है, पैसों की अगर बात करें या फिर और इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से क्या मदद मिल पाई? देखिए, अभी तक तो ये अश्योरेंस मिली थी प्रधानमंत्री जी से कि हम इस घड़ी में आपके साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी बात हुई और उन्होंने ये इंश्योर किया कि हम हर तरह से मदद करेंगे। लेकिन अभी जो बात करें, जो एनडीआरएफ की जो टीमें भेजी, वो उन्होंने भेजी है, और उसके अलावा एयरफोर्स के एक दो चॉपर की बात हुई थी, जहाँ मांगा गया वो भी भेजा। लेकिन मुझे लगता अभी कैश टर्म में कोई ऐसी सहायता अभी तक शायद कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने आप में जो परिस्थितियां हैं हिमाचल प्रदेश के सामने, वो आपदा वाली परिस्थितियां हैं। तो इसके लिए हम भी पूरी तरह से इस बात को समझते हैं कि दिल खोल के जो है देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के लोगों की और सरकार की मदद करेंगे। और हम इसके लिए जो हमारे विपक्ष के लोग हैं हिमाचल प्रदेश में और विपक्ष के नेता हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो भी जरूर इस बात को उठाएं कि हिमाचल प्रदेश को इस वक्त काफ़ी मदद की ज़रूरत है। सर, अभी तक अप्रॉक्सीमेटली जो प्रथम चरण है, कितना नुकसान हो गया होगा? कोई अप्रॉक्सीमेटली डाटा आया है, पहले 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा जो संपत्ति को नुकसान हुआ? देखिए, जैसे जैसे ये हो क्या रहा है, यहाँ एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी परिस्थितियां कभी बादल फटने वाली या ऐसी जो क्लेमिटीज थी एक दो जिला में होती थी, लेकिन इस वक्त हिमाचल का 70% क्षेत्र है वहाँ नुकसान हुआ है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ नुकसान नहीं हुआ। जहाँ आप सरकारी संपत्तियों की बात करें वो अलग है, बहुत बड़े, कोई ऐसी सड़क नहीं है, हजारों की संख्या में सड़कें बाधित हुई हैं, पुल टूटे हैं, बिजली की स्कीमें बाधित हुई है, पानी की स्कीमें तकरीबन बहुत खराब हुई है। ये सारी चीज़ें रिस्टोर करने के लिए समय भी चाहिए और बहुत रिसोर्सेज भी चाहिए। और उसके अलावा लोगों ने, प्राइवेट क्षेत्र में भी लोगों का बहुत नुकसान हुआ, जहां लोगों के सैकड़ों के हिसाब से घर बह गए हैं, होटल्स हैं, किसी का दुकान खराब हो गई है, बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आप सही मायने में माने तो इसका सही आंकलन करने में वक्त लगेगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अभी लोगों को बिजली ना होने की वजह से, संचार सेवाएँ ठप होने की वजह से, बहाल हो रही है बड़ी तेज़ी से, डे टू डे कंट्रोल रूम काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है, पूरा डाटा आता है कि आज इतनी सड़कें बहाल हो गई और इतने
बिजली के ट्रांसफार्मर बहाल हुए, पानी की स्कीमें बहाल हुई, उसके बावजूद इसमें समय लगेगा और पूरा सही मायने में आंकलन करने में ये आंकड़ा जो है, जो सोच रहे थे कि 4,000 करोड़ है, ये उससे ऊपर जाएगा क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा। सर एक और सवाल है, पिछले कल एक डिसीजन हुआ है सरकार के स्तर पर कि जो गांव में जिनका खेत बह गया, कईयों के मकान ढह गए हैं, तो मनरेगा के तहत जो है वो 1,00,000 रुपये राशि दी जाएगी। कि किनको इसका लाभ मिलने वाला, कितने लोग लाभान्वित होंगे? देखिए ये चीज़ें ऐसी है कि इसका जो पूरा एक खाका तैयार किया जाएगा, पूरा एक फीडबैक आएगा हर जगह से, रेवेन्यू के लोग हैं, BDOs, STMs वगैरह सब मिलके एक पूरा मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। अभी केवल उस स्टेज पे हैं जब अभी सिर्फ घोषणाएं करने की बात है, लेकिन इसको असली तौर पे जब एक पूरी चीज़ सामने आएगी उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। सर कुल्लू और मनाली की अगर बात करें तो वहाँ पर पेट्रोल और डीजल है, उसके दाम कहीं ज़्यादा अधिक कर दिए गए, दूध हो, ब्रेड हो, और जो होटल के कमरे हैं उनसे जो है भारी जो है पैसा वहाँ पर वसूला जा रहा है, आपदा में अवसर ढूंढा जा रहा है, तो इसको लेकर नहीं, अब इन बातों पे ये आप, मैं समझता हूँ कि बहुत अंकुश लग गया है, पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है और ये घोषणा कर दी गई है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ हो, सब्जी हो, हर चीज़ के रेट सुनिश्चित किए जाएंगे, लोगों को किसी को भी अपने मनमानी करने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही ऐसा होने जाया है। मैंने आपसे जिक्र किया कि कुल्लू मनाली में पर्यटक बहुत संख्या में थे, लेकिन आज परिस्थिति यह है कि उसमें से 60,000 के करीब लोग अपने घरों की तरफ जा चुके हैं और जो बचे हैं वो आज भी निकल जाएंगे। जिस प्रकार से रोड एक सबसे बड़ा इशू था, तो उसको 6,000-7,000 गाड़ियाँ तो कल निकल गई, परसों आज बहुत सारे लोग निकल जाएंगे, तो मैं समझता हूँ हिमाचल के लोग, ऐसा बहुत कम घटना हो सकती है, कहीं ऐसी होगी, लेकिन इसके लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और एजेंसीज हर तरह से अलर्ट है कि किसी प्रकार से जो लोग फंसे हैं, चाहे वो बाहर के पर्यटक हैं, चाहे कोई भी है, किसी से किसी प्रकार की लूटमार ना हो, इसके लिए प्रशासन को पहले ही आदेश दिए जा चुके हैं। सर एक आखिरी सवाल है, CM का एक बयान आया है कि आपदा का जो मैनुअल है उसको सरकार बदल देगी, क्योंकि जो फौरी राहत राशि मिलती है जहां पर नुकसान हो जाता है वो अभी शायद 5,000 से 15,000 के बीच है। CM ने कहा है कि इसको हम 1,00,000 के आसपास कर देंगे और बहुत जल्द डिसीजन लेंगे, क्या इसी जो अभी आपदा हुई है यहीं से इसका लाभ होना शुरू हो जाएगा लोगों को? देखिए स्वाभाविक तौर पे मैंने आपसे एक बात कही कि किस प्रकार प्रदेश के मुखिया लगातार 4 दिनों से लोगों के बीच सड़कों में और जहां पर लोगों की समस्या है उनके बीच है, उन्होंने उस बात को समझा है कि इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है उसको अनुभव को उन्होंने इस बात को माना है, जब वो पंडोह में गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर जो लोगों का आजीविका थी वो सारा खराब हो गया, उसमें पानी भर गया, अपनी जितनी दुकानें थी वो खराब हो, ये मुख्यमंत्री जी के जहन में है, उन्होंने इसका जिक्र किया है कि इसको हम चेंजेस करेंगे, तो मैं समझता हूँ जब वो वापस लौटते हैं उसके बाद सरकार इस बात पे फैसला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।